हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हें दसूंगी सब कुछ जो तुम जानना चाहते हो कैनेडा दे किवें आपां सिन नंबर लेना है, किवें आपां इमीग्रेशन क्लियर करते हैं एयरपोर्ट ते, ते ऑलसो सिन लैन तो बाद किदां किहड़े किहड़े स्टैप्स जिहड़े आपां फॉलो कर सकते, पहला भी हो सकते हैं पर इट्स बैटर कि पहला कर लो सिन नंबर का काम, क्योंकि वह सब तो मेन है। तो मैं एयरपोर्ट लैंड की उत्थे अपन नीचे एक रिव्यू मशीन होंगी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उत्थे अपन काइंड ऑफ यू नो अपन दसना पैंदा कि आप की लैके आए हैं। तो उत्थे अपना पासपोर्ट स्कैन करना होंदा है, जिदा ही तुसी अपना पासपोर्ट स्कैन कर दो थोड़ी डिटेल आ जाती है एंड तुसी उत्थे फिल करना होंदा की तुसी लैके आए हो। फॉर एग्जाम्पल कैनबिस $10,000 लेके आए हो, अगर 10,000 होवे या 10,000 तो उत्ते होवे तां तुहानूं शो करनी पैंदी है एक रिसीट। कई इंडियंस नूं डाउट हुंदा है कि आपां किन्ने डॉलर लेके आ सकते हैं, सो $10,000 तुसीं लेके आ सकते हो जिहदी कोई भी तुहानूं रिसीट की लोड़ नहीं पैंदी। बट अगर तुसीं 10,000 या 10,000 तो उत्ते लेके आ रहे हो तां तुहानूं बिल की लोड़ पैंदी है। सो यह भी एक डाउट सीगा जिहड़ा मेरा भी सी ते आई थिंक बाकियां दा भी होगा, तो आई होप मैं कि वह क्लीयर कर। ते दूजा हुण मैं दस रही सी इलैक्ट्रॉनिक मशीन ते जिहड़ा आपां दसना हुंदा है कि आपां की नाल लेके आए हैं। तो आपां जिद्दां ही आपां पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो उत्थे थोड़ी डिटेल आ जाती है, बट मेरे केस च क्या मैं पासपोर्ट स्कैन किया तो मेरी डिटेल आई नहीं सी, तो फिर मैं मैनुअल फॉर्म भरना पैसे, तो उत्थे डरना नहीं होंदा कि अपनी क्यों नहीं आई, तुसीं मैनुअल फॉर्म भर सकते हो। तो मैं मैनुअल फॉर्म भरया सी, उत्थे नो 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 ही करना होंदा मोस्टली, और तुसीं जिद्दां ही करते हो फिर उत्थे एक सिक्योरिटी वाले बैठे होंदे ने परसनल्स, तुसीं उन्हां कोल जाना होंदा है तो वह उत्थे मतलब कुछ अल्फाबैट्स लिखते हैं, जिवें कईआं दा वी लिखते हैं, कईआं दा डबल्यू लिखते हैं, कईआं दा एक्स लिखते हैं, वह हुण डिपेंड करता है कि तुसी केड़ी कैटेगरी वाले इमीग्रेंट हो। जिवें हुण मैनूं पता नहीं है कि हिसाब है, बट मेरा सीगा वी कैटेगरी। मोस्ट ऑफ द केसिस सारे कहिंदे कि इमीग्रेशन पहला हुंदी है, बट मेरे केस आई थिंक उन्होंने कहा कि लगेज पहला कर लूंगी। मैं अर्ली मॉर्निंग अराइव की सी, तो लगेज नूं बहुत टाइम लग गया सीगा, फिर असी गए सीगे, फिर सानूं इमीग्रेशन लई बुलाया। इन्हां तों कहिंदे ने लैटर ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट, LOA। सो पहला उह कहिंदे ने कि LOA तुसीं अपनी लैके, LOA उन्होंने दिखानी होंदी है, उस तो बाद तुहानूं स्टडी परमिट मिलता है इमीग्रेशन वालिया तो, ते तुसीं अंदर बैठे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होंदी है, तो अपना प्रिपेयर्ड होके जाओ ते ताकि तुहानूं बहुत ज़्यादा यू नो टायरिंग ना हो, अपना थोड़ा जिहा रिलैक्स होकर बहना पैंदा तुहानूं, तो कपड़े थोड़े जिहे कंफर्टेबल ही वो ही पाओ, ज़्यादा समान कैरी ना करो क्योंकि बहुत लंबी लाइन खड़ना भी पैंदा, उस तो बाद बहना भी पैंदा फिर काफ़ी टाइम। तो थोनू कुछ बेसिक जे क्वेश्चन पूछते हैं, कई आई थिंक थोड़ा स्ट्रिक्ट पूछते हैं जिन्होंने डाउट होंगे, मैंने सिर्फ उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी सी, तो बाद स्टडी परमिट दे दें। एक बार अपना स्टडी परमिट जरूर चैक कर लिया करो, कई स्टडी परमिट गलत हो जाते हैं, जिदा उ एक मुंडा आया सगा तो वह कह रहा है कि तुम मैंने स्टडी परमिट गलत देता, मेरा नाम इतने गलत लिखा हुआ, तो क्योंकि अपने पंजाबियों नाल की होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी नाम तो सेम बंदे, फॉर एग्जाम्पल मनप्रीत है, मनप्रीत सिंह बहुत होंगे ने, वैसे तो डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करते हैं, लाइक वैसे तो डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करते हैं, बट स्टिल एक बार अपना थोड़ा स्टडी परमिट देख लिया करो, और उत्ते आ भी देख लिया करो कि क्या तुसी, जिवें तीन क्लॉज़ होंगे ने स्टडी परमिट के, तो तीन के तीन क्लॉज़ तुसी चैक कर लिया। गल उत्थे अद्धी रह गई, स्टडी परमिट के तीन क्लॉज़ होंगे ने, उहदे विच जिहड़ा सब तो मेन जिहड़ा तुसी देखना होंदा उह होंदा कि वैदर यू कैन वर्क ऑन और ऑफ कैंपस और नॉट, तो वह जरूर चैक कर लिया करो, कईआं दे उत्थे लिखिया नहीं होंदा कि तुसीं ऑफ कैंपस काम कर सकते हो या ऑन कैंपस भी काम कर सकते हो कि नहीं, तुहानूं उत्थे स्टडी परमिट दे दिंदे आ, बट उत्थे आ थर्ड क्लॉज मैनशन नहीं हुंदा, ते तुहानूं सिन नंबर अजकल लोग की करते हैं रील वगैरह देख के उत्थे एयरपोर्ट तो ही लैन लग गए सिन नंबर, तो सिन नंबर उत्थे तां मिल जाता है, बट तुहानूं फिर काम देण च उन्हां नूं प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़े स्टडी परमिट च लिखिया नहीं होया तुसीं काम कर सकते, तो ये चीज़ जरूर चैक कर लिया करो कि थोड़े स्टडी परमिट ते लिखिया, एंड जस्ट इन केस वो थर्ड क्लॉज मिसिंग है कि तुसीं ऑफ कैंपस काम करके इमीडिएटली तुसीं उन्हां नूं कहना है हाँ जी मेरा स्टडी परमिट इत्थे मतलब यू नो आई गॉट इन द रोंग परमिट, उन्हां दे नोटिस च गल चल जाए अपडेट होकर मिल जाए स्टडी परमिट। नैक्सट फिर तुसीं सिन नंबर लेना होंदा है, उस तो बाद लाइक शेयर एंड सबसक्राइब, ऑलसो सिन नंबर अगर तुम जानना चाहते हो कि सिन नंबर कितना लेना है तो नैक्सट वीडियो देखो जिद मैं तुम्हें दसूंगी कि सिन नंबर आपको कितना लेना होंगे तो की प्रोसीजर होंगे।